अभी तक हमने जाना कि समाज के कुल 6 भेद होते हैं, तो आइए अब इन 6 भेदों के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। जैसा कि आप सभी जानते हो कि समास जो है 2 शब्दों का परस्पर मेल होता है, तो यहाँ पर भी हम ये जो 6 भेद हैं इन्हें इसी दोनों पद के आधार पर ही पहचानेंगे। तो अव्ययी भाव समास जो है उसमें पूर्व पद अर्थात पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा क्रिया और क्रिया विशेषण हो सकता है। तो सबसे पहले पूर्व पद अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग वचन काल में परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे कि आप उपसर्ग वाले शब्द आप जानते ही होंगे, प्रति आ हर भर नी अनु, ये सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। और भी अनेक हैं जो कि आप अपने पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं। तो पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा क्रिया या क्रिया विशेषण होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। उसी प्रकार जैसे प्रति है तो प्रतिदिन प्रत्येक दिन हो सकता है। तो इसके बाद दूसरा है बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास में पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों प्रधान न होकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। ये दोनों पद का कोई मायने नहीं होता है और वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसे बहुव्रीही समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, तो पहला पद है नील और दूसरा है कंठ। तो नीलकंठ सुनते ही आपके जहन में आपके दिमाग में ना तो नीले की ओर ध्यान जाता है ना ही कंठ की ओर, सीधे शिव जी की ओर ध्यान जाता है। तो इसका विग्रह होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो ये हो गया बहुव्रीही समास। इसके और भी अन्य उदाहरण हैं जैसे लंबोदर गजानन पीताम्बर। इसके बाद हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान होता है अर्थात जिस पर अधिक बल दिया जाता है उस पद को कहा जाता है कि वह प्रधान है। तो इसमें तत्पुरुष समास में पहला पद संज्ञा उत्तर पद प्रधान होता है और इसका विग्रह करने पर कारक विभक्ति का लोप होता है। कारक विभक्ति आप सभी जानते ही हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे, लेकिन यहाँ पर कर्म और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। इसमें कर्म से लेकर अधिकरण तक की कारक विभक्तियों का लोप होता है। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, इसका विग्रह है रसोई के लिए घर। तो ये होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। उसी तरह से अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं। इसके बाद चौथा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, अर्थात जब हम किसी शब्द की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर भी एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे कि कमल नयन, तो इसका विग्रह है कमल के समान नयन। उसी प्रकार अन्य उदाहरण है महावीर, महान है जो वीर, महात्मा, महान है जो आत्मा। तो ये हो गया कर्मधारय समास जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसके बाद अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों का ही अपना महत्व है, दोनों किसी से कम नहीं है, लेकिन इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे और, या, अथवा।
इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण माता पिता, माता और पिता, इसका विग्रह करेंगे तो और योजक शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार भाई बहन, सुख दुख, पाप पुण्य आदि। इसके बाद अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जहाँ पर भी आप देखेंगे संख्या आई है शब्द में तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। तो पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद संज्ञा और इसका विग्रह करने पर ही, लेकिन इसका अर्थ समूह में निकलना चाहिए। जैसे पंचवटी, पांच वटों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। उसी तरह से यदि एक दंत आता है तो वह द्विगु समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ समूह में नहीं निकल रहा है, वो एक दंत है। एक दंत सुनते ही आपके दिमाग में आता है कौन है वो, गणेश जी, तो वह होगा बहुव्रीहि समास। एक दांत है जिसका अर्थात गणेश जी। तो ये आज